ओपन पूरा इंसिजन देके उस ऑर्गन तक पहुंचा जाता था, फिर उसके आसपास की चीज़ों को हटा के फिर उनको निकाला जाता था जो भी पैथोलॉजिकल ऑर्गन होता था। तो ड्यूरिंग सर्जरी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंसिजन कम दिया जाता है, तो आपका टिश्यू इंजरी कम से कम होती है। लेज़र जो पेशेंट्स करवाते हैं उनका सक्सेस रेट क्या होता है, और लेप्रोस्कोपिक अगर कराता है तो उनका सक्सेस रेट क्या है? नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में लेज़र और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दरअसल पहले जो सर्जरीज हुआ करती थी वो ओपन सर्जरीज थी, और जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नई नई टेक्निक सामने आती जा रही हैं मेडिकल फील्ड में, तो लेज़र और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से कई तरीके की दिक्कतों का इलाज किया जाता है, सर्जरी की जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दर्शकों में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है कि लेज़र या फिर लेप्रोस्कोपिक कौन सा बेहतर है। चलिए, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद होंगे, डॉक्टर अनुभव सांगवान, जो कि लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जिन्हें 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और साथ में मैं ये बता दूं कि इन्होंने लेप्रोस्कोपिक में कई सारे फेलोशिप्स किए हैं और साथ में ही लेज़र में कई सारे वर्कशॉप्स को अटेंड किया है। बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे साथ हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम्स जो है अभी मिरेकल्स हेल्थ केयर में है और ये गुरुग्राम में मौजूद है। तो चलिए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। और आपसे हम पहले इंटरव्यूज ले चुके हैं, पहले आपसे हम जानकारी ले चुके हैं गॉल ब्लैडर के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल हम लेज़र और लेप्रोस्कोपिक पे बात करते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहती है कि क्या कराया जाए। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि दोनों में मुख्यतः अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है? देखिए, जो लेज़र और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों एक अलग अलग एंटिटीज़ हैं। लेज़र एक एनर्जी सोर्स होता है जिसके थ्रू हम किसी भी टिश्यू को काट सकते हैं बड़े प्रिसाइजली और बहुत ही कम इंसिजन के साथ, हम स्किन के अंदर जाके और फिर अंदर से भी टिश्यू को काट सकते हैं, या फिर किसी भी नस को, किसी भी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट या बर्न कर सकते हैं। सो लेज़र उन्हीं सर्जरीज में यूज आती है, जैसे प्रोक्टोलॉजी की सर्जरीज होती हैं, आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुलाज और वेरिकोस वेन, जो वास्कुलर सर्जरीज होती हैं, वेरिकोसील, इनमें हम लेज़र का मुख्यतः यूज कर सकते हैं। और लेप्रोस्कोपी एक ऐसा दूरबीन होता है जिसको हम अपनी एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर एक छोटे से इंसिजन के द्वारा अंदर डालते हैं और फिर हम अंदर के सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। जो भी पैथोलॉजिकल ऑर्गन है, लेट्स से गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो हम उसको उसी के थ्रू निकाल सकते हैं, अपेंडिसाइटिस है तो उसका हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। लेप्रोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है, लेज़र हम एक लेज़र एनर्जी सोर्स द्वारा सर्जरी की जाती है, जैसे लाइट्स वगैरह होती है रेज के थ्रू। हाँ, से ये एक हीट रेज होती है जिससे हम बर्न कर देते हैं किसी को भी। ओके, तो इन दोनों के एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज के अलावा जो पहले ओपन सर्जरीज हुआ करती थी और अब लेज़र और लेप्रोस्कोपिक होने लग गया है, तो दोनों चीज़ों में सबसे बेहतर क्या है? एज डॉक्टर आप क्या देखते हैं कि क्या चीज़ डिफरेंस आ रही है, क्या चीज़ बेहतर हो रही है? देखिए, पहले किसी भी डिजीज़ के लिए हम सर्जरी करते थे तो उसमें ओपन पूरा इंसिजन देके उस ऑर्गन तक पहुंचा जाता था, फिर उसके आसपास की चीज़ों को हटा के फिर उनको निकाला जाता था जो भी पैथोलॉजिकल ऑर्गन होता था। तो अब एब्डोमिनल कैविटी की जो भी सर्जरी है, लेट्स से पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए हमें 15 सेंटीमीटर का इंसिजन देना पड़ता था, अब सिर्फ हम 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से हमारा लेप्रोस्कोप अंदर चला जाता है और अगले 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम उस गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं। तो वहाँ 15 सेंटीमीटर की जगह सिर्फ 2 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता है। ऐसे ही लेज़र सर्जरीज में जब हम पाइल्स के लिए ट्रीट करते थे तो जितने भी मल्टीपल पाइल्स होते थे उतना ही हम 3-3 सेंटीमीटर के अलग अलग इंसिजन देते थे, जबकि लेज़र में कोई इंसिजन नहीं दिया जाता है, उसमें डायरेक्ट हमारा लेज़र फाइबर अंदर जाता है और दूर से ही श्रिंक कर देता है पाइल्स को। सो ओपन सर्जरी से हमेशा बेटर है लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। उनमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग सर्जरी क्या फ़ायदे हैं, सर्जरी के बाद आपको क्या फ़ायदे हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंसिजन कम दिया जाता है, तो आपका टिश्यू इंजरी कम से कम होती है, आसपास के टिश्यू को ट्रोमा कम से कम होता है। हमने जब गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स को निकालना है तो हमें पूरे पेट को खोलने की ज़रूरत नहीं है, पेट वैसा ही रहता है, कम इंजरी की जाती है और वो अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर डायरेक्ट जाके उसको निकाल दिया जाता है। तो ट्रोमा कम होता है, इस ट्रोमा के कारण कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और आसपास की टिश्यू को
इंजरी होने के चांस, आपकी अंदर आंतें होती हैं, और भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कट लगने के चांस होते हैं जो कि बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये ड्यूरिंग सर्जरी के फायदे हैं। सर्जरी के बाद सिंस आपका इंसिजन कम होता है तो आपका पेन कम होता है सर्जरी के बाद, आप जल्दी रिकवर होते हैं, जल्दी आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं, जो भी सर्विसेज आप रिज्यूम कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन पोस्ट सर्जरी, आपका एडमिशन कम होगा, आपके मेडिसिन कम लगेंगे, जिससे पर से उन मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशन कम होगा, उनके साइड इफेक्ट्स कम होंगे, तो इन टोटल आपको काफ़ी फायदा होता है हर तरह से। तो ये तो लेप्रोस्कोपिक की बात हुई, अब लेज़र के क्या एडवांटेज होंगे? लेज़र में भी ऐसे ही एडवांटेज होते हैं, क्योंकि जैसे पहले वेरिकोज वेन होता था, पूरी अपने पैरों की नसें सूज जाती थी, तो उनको हम ओपन तरीके से करते थे, उसके बाद जो पेशेंट है वो कम से कम 10-15 दिन बाद अच्छे से चल पाता था, लेकिन लेज़र सर्जरी के 3 घंटे बाद पेशेंट अच्छे से चल सकता है, नेक्स्ट डे से अपने काम पे जा सकता है, और कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। तो ये तो हो गया वेरिकोज वेन का। आप अगर प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बात करेंगे, पाइलोनिडल साइनस, इसमें पहले बहुत बड़े इंसिजन दिए जाते थे जिनकी 2 से 3 महीने तक ड्रेसिंग चलती थी, लेकिन अब वो इंसिजन्स इतने छोटे हो गए हैं कि आप सिर्फ 1-2 हफ्ते की ड्रेसिंग में आप पूरे ठीक हो जाते हैं, एंड सर्विसेज आप 3rd day 4th day से रिज्यूम कर लेते हैं, इसमें इतना पेन नहीं होता। और कुछ सर्जरीज तो ऐसी हैं जिसमें इंसिजन ही नहीं दिया जाता, जैसे एनल, फिशर, पाइल्स, इसमें तो ये तो इंसिजन लेस हो जाता है, तो इवेंचुअली ये पेनलेस हो जाता है एंड इमीडिएट आपको सर्जरी के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और वही सब बातें, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कम लेना पड़ेगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसे आपने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, पाइल्स का जिक्र किया, गॉल ब्लैडर का जिक्र किया, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम लेप्रोस्कोपिक में आती हैं जो ट्रीट की जाती हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम लेज़र से की जाती हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, लेप्रोस्कोप एक दूरबीन होता है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में डाला जाता है, तो जो भी सर्जरीज हैं लाइक अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सोजन आ गया है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, किडनी स्टोन की सर्जरी दोनों तरीके से की जा सकती है, और गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, या आपकी आपकी इंटेस्टाइन परफोरेशन हो गई, या आपको कोई हर्निया हो गया एब्डोमिनल कैविटी का, इनग्वेनल हर्निया हो गया, इंसिजनल हर्निया हो गया, ये सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी के द्वारा की जाती हैं। लेजर सर्जरी में मेनली प्रोक्टोलॉजी और वास्कुलर सर्जरीज, प्रोक्टोलॉजी में हो गया आपका फिशर, पाइल्स, फिस्टुला, पाइलोनिडल साइनस, और वास्कुलर सर्जरी में हो गया आपका वेरिकोज वेन्स, हेमरोइड्स, वेरिकोसील, ये सब हम लेजर के द्वारा कर सकते हैं। तो आपने कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र भी किया था कि कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ कुछ सामने आती हैं, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस है जो ड्यूरिंग ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान हो सकते हैं? देखिए, सब हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे जब ओपन सर्जरी होती थी तो वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती थी, अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी में जो फर्स्ट हम लेप्रोस्कोप डालते हैं वो थोड़ा ब्लाइंडली, उससे पहले हमें अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही होती, तो उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और सर्जरी के दौरान हमें कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पेट को फुलाया जाता है, तो उस चीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, वो बहुत ही रेयर और बहुत ही मिनिमल कॉम्प्लिकेशन है, बट यस, ओपन सर्जरी में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिकॉज उसमें हमें CO2 का यूज़ नहीं करना पड़ता, तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है अपनी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की। और सिंस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर लर्निंग कर्व इसका थोड़ा बड़ा होता है, आप ओपन सर्जरी कोई भी सर्जन कर देता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आपको प्रॉपर फेलोशिप या प्रॉपर उसका एक दो साल एक्स्ट्रा लगा के लर्न करना पड़ता है, तो जो एक्सपर्टीज जब आप गेन कर लेते हैं तो ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर सर्जरी आपको कंडक्ट करनी चाहिए, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ जाते हैं अदर देन ओपन सर्जरीज। तो क्या क्या सावधानी किसी भी डॉक्टर को बरतनी होती है जब वो लेजर या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा होता है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो उसकी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, और जो भी पोर्ट हम जो डालते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स डालने की जगह हम बनाते हैं, वो बड़े ध्यान से बनानी चाहिए, प्लस उनमें एक स्पेसिफिक गैप होना चाहिए ताकि आप सर्जरी को अच्छे से कर पाएँ, तो उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं, उसको
वो स्पेस अच्छे से होना चाहिए, वो सब चीज़ अच्छे से सीख के तभी कंडक्ट करनी चाहिए। लेजर सर्जरी में क्योंकि वो एक एनर्जी सोर्स है तो उसमें लेजर के बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए कि मैं इसको अगर 10 सेकंड तक इसको मैं इस टिश्यू पे लगाऊंगा तो कितना बर्न करेगा आप। और लेजर का एक प्रॉपर वेवलेंथ होता है, प्रॉपर उसकी कंटिन्यूस वेव है या इंटरमिटेंट वेव है, कितने परसेंट पे गए, तो वो अच्छे से स्टडी करके तभी आपको प्रोसीड करना चाहिए। नहीं तो आप हेमरॉइड्स के लिए आप सर्जरी कर रहे हैं लेजर के लिए और उस आपने उनको ज़्यादा बर्न कर दिया तो फिर आपका वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कोलेट्रल डैमेज बहुत होता है लेजर सर्जरी में। आप वेरिकोज वेन आपकी नस में आपकी लेजर गई हुई है तो उसको कितना हमें कितना बर्न करना है वो आपको एसेस करना, वो पता होना चाहिए। नहीं तो आपकी उससे जस्ट ऊपर की स्किन जल जाती है, रेड हो जाती है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो एक डॉक्टर को ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले चुका है तो आफ्टर ट्रीटमेंट उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं? हाँ देखिए, पर से हर सर्जरी के अपने प्रिकॉशंस हैं। जैसे आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराई है तो इसमें फर्स्ट 3 डेज बड़े क्रूशियल होते हैं। अगर आपने लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी करी है तो हर्निया में हम उस मैश को टैग करते हैं टैकर्स के द्वारा, तो वो फर्स्ट 3 to 5 डेज स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। तो उसके बाद मैश आपकी अच्छे से फिक्स हो जाती है तो वो फिर मूव नहीं करेगी, तो उसमें ये सब ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर लेजर सर्जरी हुई है, लेट से वेरिकोज वेन की सर्जरी हुई है, तो उसके अपने प्रिकॉशंस होते हैं कि सर्जरी के बाद आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, कुछ ऑइंटमेंट्स अप्लाई करने हैं उसके ऊपर ताकि कोलेट्रल डैमेज ना हो एंड जो भी सर्जरी हुई है उसमें रिकरेंस के चांस कम रहें। तो वो सब प्रिकॉशन हर सर्जरी के अपने अलग हैं, तो वो अलग अलग वो हर सर्जन हर सर्जरी के बाद आपको अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से उन्हें फॉलो करना है। ओके, तो रिकवरी कितने दिनों में हो सकते हैं? जैसे लेट्स से कि अगर हम लेज़र की बात करें तो लेज़र में कितने समय के बाद एक पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है और लेप्रोस्कोपिक में कितना समय लगता है? देखिए, ये तो कंफर्म है कि ओपन सर्जरी से तो सिग्निफिकेंटली बहुत जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो हर सर्जरी का एक रिकवरी फेज होता है। आपने अगर हर्निया के लिए ऑपरेट करवाया है, बीट लेप्रोस्कोपिक बीट ओपन, तो हमें मैश को फिक्स होने का टाइम देना पड़ता है, तो उसमें रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी हर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3rd डे के बाद आप अपने रूटीन वर्क्स कर सकते हैं, सो इसका रिकवरी टाइम वी कैन से 1 to 3 डेज है। एंड लेजर सर्जरीज में वो रिकवरी टाइम और कम है। आपने वेरिकोज वेन कराया, आप 3 आवर्स ऑफ द सर्जरी के बाद वॉक कर सकते हैं, आप अपने सारे रूटीन वर्क्स कर सकते हैं। अगर एनल फिशर के लिए करवाया तो नेक्स्ट डे से आपका पेन रिलीफ हो जाएगा, नेक्स्ट डे से काइंड ऑफ वी कैन से इट्स 1 डे। लेजर सर्जरी में इट्स 1 डे, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इट्स 1 to 3 डेज। ओके, तो मतलब ये है कि साफ तौर पे कि जहाँ इंसिजन नहीं लगा तो वहाँ रिकवरी रेट अच्छी हो। एक्चुअली जितना इंसिजन कम होगा उतनी रिकवरी पीरियड अच्छा होगा आपका। ओके, तो जैसे सर्जरी के बाद जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किस तरीके के चेंजेस किसी भी पेशेंट को देखने के लिए मिल सकते हैं? ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता क्योंकि कॉस्मेटिकली भी वो सूचर इतना दिखता नहीं है और वैसे आप रिकवर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो पर से सर्जरी वाइज कोई ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आते। वो किसी भी सर्जरी के बाद आपको फर्स्ट 3 to 5 डेज रेस्ट करना होता है और जो भी फूड हैबिट्स में चेंज करने होते हैं वो इंडिविजुअल सर्जरी के अपने अलग हैं। तो ऐसे ये सर्जरी जितना सिंपल और इतने इजी गोइंग है कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना। ओके, अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं एनेस्थीसिया को लेकर कि जिस तरीके से स्टडी मैंने की है तो अलग अलग एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओपन सर्जरी का थोड़ा प्लस पॉइंट है कि कुछ ऐसी ओपन सर्जरीज हैं जो जब हम लेप्रोस्कोपिकली जाते हैं तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है लेप्रोस्कोपिकली, और वही सर्जरी अगर मैं ओपन से करूं तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाता है। बट लेजर सर्जरी में आप सबसे मिनिमल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो वेरिकोज वेन की सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती थी अब हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी सब सर्जरीज लेजर में सबसे कम एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। ओपन सर्जरी कुछ सर्जरीज हैं जो स्पाइनल में की जा सकती हैं, वाइल इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज वी 99% वी यूज जनरल एनेस्थीसिया।
ओके, तो मतलब इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि मतलब जनरल हम यूज करते हैं और इसमें एक स्पेशल कोई लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एंड लोकल यूज किया जाता है। अब सक्सेस रेट पर आते हैं, अब हम लेजर जो पेशेंट्स करवाते हैं उनका सक्सेस रेट क्या होता है और लेप्रोस्कोपिक अगर कराता है तो उनका सक्सेस रेट क्या है? देखिए, सक्सेस रेट इन सभी सर्जरीज का अगर देखा जाए ना, जो लेजर सर्जरीज हैं वो ऐसी सर्जरी हैं जिनमें थोड़े रिकरेंस के चांस हैं, बट ओपन से इट्स फार बेटर। लेट से हम पाइलोनिडल साइनस की सर्जरी करते हैं, अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो उसमें 1 to 2 months तक आपकी ड्रेसिंग चलेगी, स्टिल आपका रिकरेंस रेट 30% होता है। ऐसे ही एनल फिशर में, ऐसे ही पाइल्स में, जबकि लेजर सर्जरी में वो इंसिजन इतना छोटा हो जाता है कि पोस्ट सर्जरी ड्रेसिंग 1 to 2 weeks की होती है, इसलिए आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। तो जिसमें रिकरेंस रेट 30% था, सक्सेसफुल रेट 70% था, वहीं लेजर सर्जरी में 90% सक्सेसफुल रेट है और 10% रिकरेंस रेट है। बाकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज तो ऐसी सर्जरी हैं जो कि डेफिनेटिव सर्जरीज हैं, तो उसमें तो वह तो 100% सक्सेसफुल है। आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना है, वो रिमूव हो जाएगा, हर्निया में मैश लग जाती है, तो उसमें कोई रिकरेंस नहीं है, तो इट्स वेरी सक्सेसफुल, इट्स 100% सक्सेसफुल। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हर व्यूअर का, हर पेशेंट का सवाल होता है कि अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ओपन सर्जरी का तो सभी को समझ आता है कि एक नॉर्मल कॉस्ट या जो भी होता है, लेकिन क्योंकि ये टेक्निकली कुछ ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं तो इनमें अफोर्डेबिलिटी क्या है लोगों की, क्या एक मिडिल क्लास या कोई भी व्यक्ति से अफोर्ड कर सकता है या नहीं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक एक आप ग्रोस विजन में देखें, ब्रॉड विजन में देखें तो अफोर्डेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट यूजुअली पेशेंट क्या देखता है कि सर्जरी का पैकेज क्या है। अब आपने एक सर्जरी, लेट्स से गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी है, आपने ओपन सर्जरी कराई, तो वो पैकेज होगा 60,000 का, लेकिन उसके बाद आपको 2 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, उसकी जो मेडिसिन हैं वो इतनी हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, जिनसे वही कॉस्ट फिर एड ऑन हो जाती है, प्लस 20,000 हो जाता है, तो इट कम्स टू अवर्ड्स 80,000। फिर उसके बाद भी आपको घर में बेड रेस्ट करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 2 weeks, तो आप अपने सर्विसेज रिज्यूम नहीं कर पाते। यही अगर वही चीज़ आप लेप्रोस्कोपी से करें तो यस, आपका जो फर्स्ट सर्जिकल पैकेज होगा वो 1 lakh प्लस होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो एंटीबायोटिक कोर्स जो पोस्ट सर्जरी चलेगा वो भी सिर्फ 3 to 5 days का होगा, जबकि ओपन सर्जरी में वो 1 to 2 weeks का होगा, और इमिडिएटली 5th day से आप अपने सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप एक ब्रॉड विजन में देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बट यस, इसमें ड्यूरिंग सर्जरी जो पैकेजेज हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं ओपन सर्जरी से, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेप्रोस्कोपिक अलग से इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं और जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, फिर जो CO2 और अदर गैसेज हम यूज़ करते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो सर्जन होता है वो भी एक्सपीरियंस सर्जन, वो भी अपने फेलोशिप वगैरह करके आता है, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो एक इन टोटल पैकेज की कॉस्ट बढ़ती है। बट आप सर्जरी डिजीज से लेके जब आप कंप्लीट क्योर तक देखेंगे तो इतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती। सेम लेजर सर्जरी में है, आप पाइल्स की सर्जरी कराएंगे, लेजर सर्जरी में आप नेक्स्ट डे से बिल्कुल आपका पेन ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, 3-4 days में आप अपना सर्विसेज रिज्यूम कर सकते हैं। ओपन सर्जरी कराएंगे तो आप 2-3 weeks तक अच्छे से बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, पर से अगर आप वही पैकेज की बात करें तो पाइल्स की ओपन सर्जरी आपको 30,000 to 50,000 में हो जाएगी, जबकि लेजर सर्जरी में आपको 70,000 to 80,000 देने पड़ेंगे। तो पैकेज में यस, डबल ट्रिपल कॉस्ट का डिफरेंस है, बट आई गेस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इन टोटल आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो सारी चीजें सेम आ जाती है, बस थोड़ा 19-20 का एक वो चीज हो सकती है। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और मिरेकल्स में भी क्या कुछ यही हम कह सकते हैं चीजें हैं जो आपने बताया? हाँ, ये ऑलमोस्ट मैंने मिरेकल्स के ही प्राइस कोट किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुभव सांगवान सर। वेलकम मैम। तो ये थी खास जानकारी लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी के बारे में। जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैसे सर्जरी की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है लेजर या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।